जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर। हम इससे पहले काफी सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर चुके हैं, आज हम उसी में एक और प्रीवियस ईयर पेपर करने जा रहे हैं। इसमें कुल 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनको करने के लिए आपको एक घंटे का समय मिलता है। तो आइए बढ़ते हैं हम इसके पहले सेक्शन की तरफ जो कि हमारा सेक्शन नंबर ए। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज एडमायर्ड एज टेम्पेशियस हिंदू इन 1893 इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस इन शिकागो। शिकागो में विश्व धर्म संसद में 1893 में सबसे तीखे हिंदू के रूप में किसे सराहा गया था? तो वो थे आपके स्वामी विवेकानंद जी। इनको इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को और हिंदुइज्म को वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट के वर्ल्ड रिलीजन में। तो इसका आंसर क्या आपका ए, स्वामी विवेकानंद इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये है आपका चेन्नई में, तमिलनाडु में, जो है आपका चेन्नई में वहां पे है। कब शुरू हुआ था ये? आपका 1948 में, 1948 में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर क्या आपका सी, चेन्नई इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा हेडक्वार्टर ऑफ विच बैंक्स आर लोकेटेड इन मणिपाल कर्नाटक। कर्नाटक के मणिपाल में कौन से बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो वो है आपका कौन सा, वो है आपका सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर है। अच्छा, जो बाकी बैंक है इनका कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए विजया जो बैंक है आपका, विजया बैंक का है मैंगलोर, देन आपका अगर मैं कैनरा बैंक बोलूं तो कैनरा बैंक का भी है मैंगलोर, और लास्ट है आपका कॉर्पोरेशन बैंक। अगर मैं कॉर्पोरेशन का बोलूं तो कॉर्पोरेशन बैंक का है आपका उदुपी में। उदुपी कहां पे पड़ता है? उदुपी आपका कर्नाटक में ही पड़ता है। तो ये आपके तीनों का मैंने बता दिया। तो इसका आंसर क्या आपका सी, सिंडिकेट बैंक इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। निम्न में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? तो इसका आंसर है मतलब कोसाल। कोसाल कैसे जुड़ा था? जो इनकी माता थी, जो इनकी मदर थी, वो कोसाल की मतलब कोसाल के राजा की बहन थी। तो इसका रिलेशन इसलिए इनका कोसाल था। इसका आंसर आपका बी, कोसाल इसका आंसर है। ये आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू फुल कैपेसिटी। हवा जिसमें पूरी क्षमता से नमी होती है, तो वो कौन सी हवा होती है? वो होती है आपकी सैचुरेटेड एयर, संतृप्त वायु। तो सैचुरेटेड एयर का मतलब क्या होता है? कि उसमें पूरी कैपेसिटी में एयर भर गई है, अब उसमें और नहीं डाल सकते हो आप या और नहीं मिला सकते। जैसे क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप पानी में नमक मिला रहे हो, तो पानी में नमक कितना मिला सकते हो? अब ऐसा तो है नहीं कि एक ग्लास पानी में आप एक बोरी नमक मिला दो, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो सैचुरेटेड मतलब होता है कि वो अपनी लिमिट कंप्लीट कर चुका है, उसके ऊपर वो नहीं आएगा। इसका आंसर क्या है आपका? डी, सैचुरेटेड एयर इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ट्राइब ऑफ द धौलाधार रेंज। धौलाधार श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है आपकी गद्दी। गद्दी आपकी कहाँ का है ये, वैसे कहाँ का एरिया पड़ता है? ये पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश का। अच्छा, ये समुदाय का ये जो ट्राइब थे क्या थे? आपने ट्रैवल बुक्स पढ़े होंगे, जैसे घुमंतू चरवाहे, पेस्टोरलिस्ट। तो ये क्या थे? ये वही होते थे जैसे इनको ना घूमते रहना होता था, अपने अपने जानवर को अपने जानवर को चराना होता था। तो ये गद्दी समुदाय उनमें से था। तो इसका आंसर क्या आपका? बी, गद्दी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबरशिप। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने का होता है? देखिए राज्यसभा आपके पास दो सभाएं होती है, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। लोकसभा माने अपर हाउस, राज्यसभा माने लोअर हाउस। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल का, और जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल का। लोकसभा के मेंबर्स को आप मतलब चुनते हो, राज्यसभा के मेंबर को आप नहीं चुनते हो। इनके मेंबर्स को एमपीज एमएलएज के द्वारा चुना जाता है या प्रेसिडेंट द्वारा चुना जाता है। अब इनके मेंबर्स का एक और तरीका होता है। देखिए लोकसभा में क्या होता है कि हर 5 साल में वो चेंज होते हैं, मतलब अगर वो इलेक्शन जीत गए दोबारा आएंगे तो चेंज हो जाएंगे। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में हर 2 साल में, हर आफ्टर 2 ईयर्स वन थर्ड मेंबर्स वर चेंज्ड, मतलब हर 2 साल पे एक तिहाई लोग चेंज होते हैं, जिससे क्या होता है ये कभी खत्म नहीं होते, कंटिन्यू चलते रहते हैं। इसका आंसर क्या आपका? ए, 6 साल इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा द लार्जेस्ट इरीगेशन कैनाल इन इंडिया इज कॉल्ड द। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को कहा जाता है, क्यों, किसको कहा जाता है? वो है आपकी इंदिरा गांधी कैनाल। ये आपकी कहाँ पे है? ये आपकी राजस्थान में है। देखिए ये राजस्थान में है मगर ये पंजाब हरियाणा राजस्थान पूरा कवर करती है, वहाँ पे सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करती है। तो इसका आंसर क्या है आपका? तो इंदिरा गांधी कैनाल इसका आंसर है। इसका आंसर आपका ए, इंदिरा गांधी कैनाल।
आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो वो थी आपकी सुल्तान रजिया, मतलब रजिया सुल्तान। कब से कब तक इनका पीरियड था, इनका था 1236 से लेकर 1240 का, ठीक। तो इसका आंसर क्या आपका बी, सुल्तान रजिया इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली लाइव इन, खासी और गारो जनजाति समुदाय वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे आपके मेघालय में। वैसे मेघालय में तीन ट्राइब थे मेन, एक था खासी, दूसरा गारो और तीसरे थे आपके जैंतिया, तीसरे थे आपके जैंतिया। खासी रहते थे आपके ईस्ट एंड वेस्ट खासी हिल्स में, गारो रहते थे आपके गारो हिल्स के पास और जैंतिया रहते थे आपके जैंतिया हिल्स में। तो इसका आंसर क्या आपका ए, मेघालय इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट डिग्री मेरिडियन, जो आपकी प्राइम मेरिडियन होती है वो कौन से कितनी डिग्री मेरिडियन पे होती है, वो होती है आपके जीरो डिग्री पे। अभी करती क्या है, जो ग्लोब में जीरो डिग्री पे होती है, तो ये जो आपका हेमिस्फेयर है उसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड वेव है, मतलब पूर्वी और दक्षिण इसमें बांटती है। इसका आंसर क्या है आपका ए, जीरो इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा कंबाला रेस अ ट्रेडिशनल बफेलो रेस इज बीइंग हेल्ड इन, कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ कहाँ पे आयोजित हो जाती है, कर्नाटका में। इसमें क्या होता है, ऑन स्लैशी पैडी फील्ड, जैसे धान का खेत होता है वहां पे इनके बाद जो भैंसे होते हैं उन पे बांध के, मतलब हल्की तरह बांध के इनको भागना होता है, तो ये एक रेस होती है। तो इसका आंसर क्या है आपका डी, कर्नाटका इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया इज, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है, कहाँ पे है, यह है आपके जदुगुदा में। जदुगुदा कहाँ पड़ता है, जदुगुदा आपके झारखंड में है। ये कब ओपन हुआ था, जो आपकी यूरेनियम माइन थी ये ओपन हुई थी आपकी 1967 में ओपन हुई थी, कहाँ पे है ये, यह है आपके झारखंड में। वैसे अभी प्रेजेंट में आपके पास इंडिया में दो ही यूरेनियम बहुत बड़ी मात्रा में है, एक है आपकी जदुगुदा झारखंड में और एक आपके साउथ में है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड, लाल बहादुर राष्ट्रीय शास्त्रीय प्रशासन अकेडमी कहाँ स्थित है। देखिए अगर इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, ये लाल बहादुर शास्त्री अगर आपको याद हो, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग इससे बहुत जल्दी वाकिफ होंगे। क्यों, क्योंकि जो आप लबासना जो जगह पढ़ते हो या जो जो सपना देखते हैं कि भैया हमें लबासना जानना है, क्योंकि लबासना क्या है, लबासना ही ये है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये लबासना की फुल फॉर्म है। ये कहाँ पे है, ये है आपके मसूरी में, मसूरी में कहाँ पे, उत्तराखंड में। अब ये क्या है, जब आप यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे जो आईएएस आईपीएस जो प्रिपरेशन जो एग्जाम होते हैं, तो आपके जो आईएएस की जो प्रिपरेशन होती है जब आप क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद जो आपकी प्रैक्टिस होती है 3 मंथ की, तो वो यही होती है, लवासना में ही होती है, वहाँ पे इनको समझाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। आंसर क्या आपका सी, मसूरी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज हेल्ड इन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में। कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1885 में। किसके अंडर में हुआ था, ये हुआ था डब्ल्यू सी बनर्जी के अंडर में। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, बॉम्बे इसका आंसर है। तो यहाँ हमारा सेक्शन है जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान का खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ जो कि हमारा जनरल साइंस का। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन, दांतों की सड़न कब शुरू होती है, जब मुंह का पीएच कितना हो जाता है, मुंह का पीएच हो जाता है 5.5 से कम। 5.5 से कम होने का मतलब होता है अब आपके मुंह के अंदर एसिड बनना लग गया है, वो एसिड बनेगा वो आपके दांतों को खराब करेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर आपका डी, 5.5 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तांबे का गलनांक पॉइंट क्या होता है, वो होता है आपका 1085 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसको आप गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, 1085 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ केन शुगर, या शुगर केन बोलते हैं, गन्ने का आणविक सूत्र क्या है, तो गन्ने का आणविक सूत्र होता है C12H22O11। ये है किसका, इसका दूसरा नाम है सुक्रोज, सुक्रोज इसका दूसरा नाम है, इसी का है ये केमिकल फॉर्मूला, इसको आप शुगर केन भी बोलते हो। इसका आंसर क्या है आपका ए, C12H22O11 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है, तो वो है आपके लिम्फोसाइट्स। ये क्या होते हैं, ये एक तरह के आपके WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये एक तरह के आपके सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो आपके इम्यून सिस्टम में होती हैं। ये क्या करती हैं, एक रास्ता प्रोवाइड करती हैं फ्लूड को ताकि वो ब्लड में वापस आ जाए। तो इसका आंसर क्या है आपका ए,
लिम्फोसाइटिस का आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा विच इज द करेक्ट यूनिट फॉर मेजरिंग टेरेस्ट्रियल डिस्टेंसेस, स्थलीय दूरी मापने के लिए सही इकाई कौन सी है, वह है आपकी लाइट ईयर। देखिए आपको अगर अर्थ से मार्स का डिस्टेंस नापना हो या अर्थ से स्टार का डिस्टेंस नापना हो, मून का नापना हो, तो आप वहाँ पे सेंटीमीटर मीटर का इस्तेमाल नहीं करोगे, वहाँ पे लाइट ईयर इस्तेमाल करोगे। तो इसका आंसर क्या आपका, इसका आंसर आपका बी, लाइट ईयर इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा बोटैनी इज द स्टडी ऑफ, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किसका है, मतलब बोटैनी किसकी सही होती है, ये होती है आपकी प्लांट लाइफ की, वनस्पति की होती है। इसमें क्या पढ़ते हो, इसमें आप पढ़ते हो कि प्लांट के अकॉर्डिंग उनकी ग्रोथ कैसे होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होती है, क्या क्या डिजीज होती है प्लांट को, वो सब हमें इसमें पढ़ना होता है। इसका आंसर क्या आपका डी, बोटैनी इसका आंसर है, प्लांट लाइफ इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा एट हायर एल्टीट्यूड नोज ब्लीडिंग अकर्स ड्यू टू, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहता है क्यों, उसका रीजन है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, जो ऊंचाई पर होता है वहां पे हवा में तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर एटमॉस्फेरिक बहुत ज्यादा होता है। इसके मुकाबले क्या होता है, इसके कारण क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में ब्लड है वो बाहर की तरफ फोर्स करता है, बाहर आने की तरफ फोर्स करता है, जहां से भी उसको ओपनिंग मिलती है, चाहे वो आपका नाक हो गया, चाहे वो आपके कान हो गए, वहां से ये निकलने लगता है। उसका आंसर क्या आपका ए, लो एटमॉस्फेरिक इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फ्यूल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक ईंधन है। ठीक है, प्राइमरी फ्यूल क्या होता है, प्राइमरी फ्यूल वो फ्यूल होता है जिसको आप उसी रूप में इस्तेमाल करते हो जिस रूप में वो पाया जाता है। तो वो क्या है आपका इनमें से, वो है आपका कोल, कोयले को आप उसी रूप में इस्तेमाल करते हो जिस रूप में वो पाया जाता है। इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर आपका सी, कोल इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा फोटोसिंथेसिस अकर्स मैक्सिमम इन, प्रकाश संश्लेषण अधिकतम किसमें होता है, वो होता है आपकी रेड लाइट में, लाल बत्ती में। ऐसा क्यों, कि रेड लाइट क्या होती है, जो क्लोरोफिल होता है ना वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए बहुत ज्यादा होता है। इसका आंसर क्या आपका, इसका आंसर आपका ए, रेड लाइट इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरोडायनामिक्स, एरोडायनामिक्स आप क्या समझते हैं, ये क्या होती है। एरोडायनामिक्स इज अ साइंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इन अ फ्लो ऑफ एयर और गैस, यह एक तरह का मूवमेंट होती है, मतलब हवा का जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं एरोडायनामिक्स। ये क्या एक्सप्लेन करता है, एरोप्लेन कैसे उड़ पाता है, ये एरोडायनामिक्स से ही पता चलता है हमें। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर आपका बी, बी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा क्रोनोग्राफ इज यूज्ड फॉर, क्रोनोग्राफ किसके लिए उपयोग किया जाता है, ऑब्जर्विंग एंड फोटोग्राफिंग द सन्स कोरोना, ये करता क्या है। देखिए क्या होता है, आप जब कोई रेज देखते हो, जैसे मान लो मैंने अर्थ से देखना स्टार्ट किया, मैं स्टार को देख रहा हूँ, तो क्या करेगा, तो उसके आसपास जो ब्राइटनेस लाइट होती है उसको ये कम कर देगा, जिससे क्या होता है उसके नजदीक जो भी चीजें होंगी मैं उनको आसानी से देख पाऊंगा। ऐसा ही होता है सन्स के कोरोना के में, जो सन का एकदम मध्य वाला पार्ट होता है उसको देखने के लिए उसके पास जो बहुत बड़ा ब्राइटनेस वाला हिस्सा होता है उसकी लाइट को डिम कर देता है, जिससे कि मैं उसके अंदर तक देख सकता हूँ। इसका आंसर क्या आपका सी, सी इसका आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन पहली गणना करने वाला उपकरण है, तो वह है आपका एबेकस। इसको चाइनीज ने डेवलप किया था लमसम 5000 साल पहले। इसका आंसर क्या है आपका सी, एबेकस इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ, हर्ट्ज किसकी इकाई है, ये होती है फ्रीक्वेंसी की इकाई। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है उसको आप हर्ट्ज के रूप में लिखते हो, हर्ट्ज का सिंबल होता है एच कैपिटल जेड छोटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका ए, हर्ट्ज इसका आंसर है, एसआई यूनिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है, वो है आपके जॉन मैककार्टे, क्योंकि ये पहले बंदे थे जिन्होंने इस फील्ड में काम स्टार्ट किया था, इसलिए इनको हम फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसका आंसर क्या आपका ए, जॉन मैककार्टे इसका आंसर है। अभी बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा द रिवॉल्वर वॉज इन्वेंटेड बाय, रिवॉल्वर जो आप बंदूक देखते हो जिसमें एक बार में आप 6 गोलियां फायर कर सकते हो, उसको किसने इन्वेंट किया था, उसको इन्वेस्ट किया था सैमुअल कॉल्ट ने। उसने ब्रिटिश पेटेंट के लिए 1835 में आग्रह किया था, ब्रिटिश पेटेंट के लिए फॉर ब्रिटिश पेटेंट, और 1836 में उसने अमेरिकन पेटेंट के लिए मतलब अपने आप को दर्ज किया था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका डी, सैमुअल कॉल्ट इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, तो यहाँ हमारा सेक्शन भी जनरल साइंस खत्म होता है। अगला है हमारा सेक्शन सी मैथमेटिक्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा, हमारा मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन है, अ मोटर बोट टेक्स 2 आवर टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर डाउन द करंट एंड इट टेक्स 6 आवर टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द करंट रिस्पेक्टिव आर। एक मोटर बोट को वर्तमान में 9 किलोमीटर का दूरी तय करनी है, 2 घंटे लगते हैं करंट के साथ
और 6 घंटे रहते हैं करंट के विरुद्ध, पानी में नाव की गति और वर्तमान की धारा निकालनी है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें काम करते हैं इसको करने के लिए। सबसे पहले आप लेट करो, हम लेट करते हैं, हमारे नाव की गति हो गई x और जो धारा की हो गई वो हुई y। जब आप डाउन स्ट्रीम जाते हो, मतलब जब नीचे आते हो, तो दोनों की जो स्पीड होती है वो ऐड होती है। तो मतलब जो स्पीड होगी इन डाउन स्ट्रीम नीचे के आने की तरफ वो हो जाएगी x प्लस वाई, और जो स्पीड है आपकी अप स्ट्रीम में जब आप ऊपर जा रहे होते हो तो वो होती है x माइनस वाई। ठीक है, अब मैं कौन सा लगाने वाला हूँ, मैं लगाने वाला हूँ आपका जो फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, वाला फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो क्या बोला गया है कि 2 घंटे लगते हैं अगर वो नीचे आ रहे हैं, कितना ट्रेवल करने के लिए, 9 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ 2x प्लस में 2y बराबर पे 9। इसी तरीके से 6 घंटे लगते हैं जब आप ऊपर जा रहे हो, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, डिस्टेंस 9 ट्रेवल करना है, तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस में 6y बराबर पे 9। इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपका मैं लगाने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम इक्वेशन सेम करते हैं, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 6x है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 12x प्लस में 12y इज इक्वल टू में 54। ये बनेगी आपकी 12x माइनस में 12y इज इक्वल टू में 18। तो कटिंग करते हैं, सॉल्व करूंगा तो यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24x इज इक्वल टू में आपका 72। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। अगर आपका x 3 आ गया तो उसको पुट कर दो इक्वेशन में, तो 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 9 में अगर मैं पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 प्लस में 2y बराबर पे 9। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3/2, तो मतलब ये हो गया आपका 1.5, इसका आंसर हो गया। तो क्या आंसर निकला, एक की स्पीड आई 3 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड आई 1.5 किलोमीटर, तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है आपका बी, 3 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर इसका आंसर है, तो बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा फाइंड 30% ऑफ 1500 प्लस 600। तो कैसे करेंगे, 30% ऑफ 1500 और 1600 कितना होता है, वो होता है आपका 2100, आपके बदले मल्टीप्लाई लगता है, तो 30/100 मल्टीप्लाई 2100, 2 से 2 काटा, 21 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 3 × 3, 3 × 2 = 6, मतलब 630। तो डी 630 इसका आंसर है। ये बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 600 मीटर, इफ द रेशियो ऑफ द साइड्स इज 12:13:15, देन फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड। आपको त्रिभुज की परिधि दे रखी है 600 मीटर की, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, आपको लंबे साइड लंबी भुजा बतानी है, तो तीनों साइड क्या हो जाएगी, 12x 13x 15x। तो मैं बोल सकता हूँ कि 12x प्लस में 13x प्लस में 15x बराबर 630। मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि पेरीमीटर सबको ऐड होता है, तो मैं ऐड करूंगा तो इसका आंसर आएगा आपका, तो इसका आंसर आएगा 40x बराबर में 600। कटिंग करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 600/40, तो 15 तो 15 आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 15। हमें निकालनी है लॉन्गेस्ट साइड है 15x, तो 15 × 15 हो जाएगा आपका 225। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ डी 225, इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा अ पर्सन सेल्स 400 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज, व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज। एक व्यक्ति 320 आमों की कीमत पर 400 आम बेचता है, उसकी हानि प्रतिशत निकालनी है मुझे। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 400 × SP पे वो बेचता है 320 × CB की कॉस्ट पे, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो सॉल्व करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं SP/CP बराबर 400/320। ठीक है, सॉल्व करोगे तो कटिंग करने पर इसका आंसर आएगा 8×5=40 और 8×4=32। तो ये क्या है, ये तो 1 से बड़ा है कटिंग करने पर, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है, हम लॉस निकालेंगे कैसे, कितना ज़्यादा है 1/5 × 100, तो इसका आंसर आएगा आपका 20%, इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या है आपका डी 20%, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज, एक तर्कसंगत परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए
एक परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे कि कोई भी जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 2/3। अब एक अपरिमेय संख्या लेनी है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में भी हो सकते हैं और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती। जो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो कभी खत्म नहीं होती है। तो जैसे मैंने उसमें ले लिया √5, क्या अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 2√5/3। तो ये क्या आंसर बना है, ये एक अपरिमेय संख्या क्योंकि कट तो रही नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, आप कभी भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या लोगे और उन दोनों को गुणा करोगे तो आपको हमेशा ऑलवेज एन इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है आपका, सी, सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड अराइज बी अरेंज्ड। अराइज शब्दों को कितने अलग तरीकों से स्थापित किया जाता है। अच्छा, अराइज में कितने लेटर है, 1, 2, 3, 4, 5 लेटर है। तो इसका तरीका होता है 5 का निकालो फैक्टोरियल। कैसे करते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 × 20 = 60, 2 × 120, इसका आंसर क्या हुआ, 120 इसका आंसर हो गया। तो सी 120 इसका आंसर है। भाई बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा कन्वर्ट 1589 मिलीग्राम इंटू ग्राम्स। तो पहली बात तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम। तो मतलब क्या है, आपको 1589 को 1000 से डिवाइड करना है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1.589 ग्राम। तो इसका आंसर है आपका बी, बी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटीज। यदि कोई घटना घटती नहीं हो सकती तो संभावना क्या है, जीरो, घटना हुई नहीं है तो जीरो, इसका मतलब आपका ए, जीरो इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा अ बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 63 रन एंड देयर बाई इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाय 2। वॉट इज हिज एवरेज स्कोर आफ्टर द 12th इनिंग। 12वीं पारवी में एक बल्लेबाज 63 रन का स्कोर बनाता है और वहां अपना औसत स्कोर बढ़ाता है, 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है, मुझे ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, 11वीं इनिंग तो मैं लेट करता हूँ, लेट जो उसकी एवरेज है एट 11th इनिंग वो हो गया एक्स। तो मैं क्या बोलूंगा, तो इसको मैं ऐसे लिखेंगे 11x में 63 जोड़ो बट्टे पे क्या रखेंगे 12, तो उसका जो एवरेज था वो 2 बढ़ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 11x प्लस में 63, 12x प्लस में 24, तो क्या बना ये, आपका सॉल्व करोगे तो x बराबर 63 माइनस में 24, तो इसका आंसर आएगा 39। लेकिन दो, ये तो x की वैल्यू आ गई, हमें तो 2 बढ़ानी है, तो 39 + 2 बराबर हो गया आपका 41। तो उसका नया एवरेज कितना हो गया, उसका नया एवरेज हो गया 41 का, इसका आंसर है आपका ए, 41 इसका आंसर हो गया। भाई आगे बढ़ते हैं, फाइंड विच इज द नेक्स्ट नंबर इन सीरीज। आपको इस श्रृंखला में अगला नंबर बताना है। पैटर्न क्या कहता है, 31, 7, 25, 13, 19, 19, 13। क्या हो रहा है, जो ये पैटर्न था यहाँ पे रिपीट करना स्टार्ट हो रहा है, तो 13 के बाद क्या नंबर था, 25। तो इसका आंसर क्या हुआ, सी 25 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। पॉलीगन में उसकी 44 विकर्ण है, आपको उसकी भुजाओं की संख्या बतानी है। तो इसके लिए फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, n(n-3)/2 = नंबर ऑफ डायगोनल्स। मतलब 44, यहाँ पे n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो ये हो जाएगा n² - 3n = 88। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व ऐसे करेंगे हम, यहाँ पे हम लगाएंगे n² - 3n - 88 = 0। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मिडटर्म स्प्लिटिंग, वो क्या होती है, n² - यहाँ पे मैं लिखूंगा 11n + 8n - 88 = 0। यहाँ से n कॉमन निकला, बच्चा क्या n-11। यहाँ से 8 कॉमन निकला, बचा क्या n-11। तो ये क्या बना, ये हो गया तुम्हारा n-11 = 0, 1 हो गया, और n+8 = 0, 1 हो गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी -8 और यहाँ पे n की वैल्यू होगी 11। साइड्स कभी माइनस में नहीं होती है, तो हम क्या लेंगे 11। तो इसका आंसर क्या हुआ, सी 11 इसका आंसर है। अगर कभी आपको डायगनल निकालने के लिए बोला जाए और आपको साइड दी गई, तो भी एक फॉर्मूला लगा लो तो आपको डायगनल मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा द डिफरेंस ऑफ 2 numbers is 2 and the difference of their squares is 28. The sum of the numbers will be. हमें बोला गया है, मानते हैं कि पहला नंबर जो बड़ा नंबर है वो मैंने माना x और छोटे वाले को माना मैंने y. पहले बोलता है कि दोनों का डिफरेंस तो 2 है और फिर कहता है कि उनके स्क्वायर का डिफरेंस वो आपका 28 है, आपको निकालना है इनका सम. देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ एक्स प्लस वाई इन टू में एक्स माइनस वाई 28.
तो x प्लस वाई तो मुझे निकालना ही है, और x माइनस वाई की वैल्यू मुझे पता है वो कितनी है, वो है 2, तो कितनी हो जाएगी, जब वो आगे डिवाइड में होगा तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 14। क्या आंसर आया इसका आंसर, इसका आंसर आया सी, 14 इसका आंसर है। अभी बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा विच इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, श्रृंखला में अगला नंबर कौन सा हो सकता है, 5, 25, 125, 5, 25, 25, 25, 125, 125, 625, 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
आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। मतलब ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। इफ ए स्टार्ट्स ऑन द वर्क एंड बोथ वर्क अल्टरनेटिवली डे आफ्टर डे, इन हाउ मेनी डे विल द वर्क बी कम्प्लीटेड। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए करता है 10 दिन में काम अकेले, बी करता है अकेले 15 दिन में काम। अगर ऐसे काम करा जाए कि ए ने आज काम किया, बी ने कल काम किया, फिर ए ने परसों काम किया, फिर बी ने उसके अगले दिन काम किया, तो कितने दिन लगेंगे खत्म करने में? तो काम करते हैं, पहले ये देखते हैं दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। चेक करते हैं कैसे करेंगे। ए करता है 10 दिन में काम, तो एक दिन में वो काम करेगा 1/10, बी करेगा 1/15, एलसीएम लेके करेंगे तो 30, 10 में 30 आता 3 बार में, तो 3 + 2 मतलब में 5/30 मतलब में 1/6 मतलब उसको 6 दिन लगेंगे दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन अगर वो ऑल्टरनेटिवली कर रहे हैं तो 6 × 2 मतलब 12 दिन लगेंगे, तो उसका आंसर क्या है आपका डी, 12 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा द एवरेज एज ऑफ 7 boys इज 20 years। इफ एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 6 boys इज 19.5 years देन द 7th boy विल बी ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। कैसे क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो एक काम करते हैं तो 7ों की एज क्या हो जाएगी, अगर मैं निकालूं 7ों की जो एज होगी एज ऑफ 7 वो हो जाएगी आपकी 7 × 20 मतलब हो गया आपका 140। अब 6 की कितनी है, 6 की जो है वो है एवरेज आपकी 19.5, तो इधर से 19.5 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 117। तो अब मुझे बताना है 7वें की, तो 140 में से आपको 117 माइनस करना है, आपका आंसर आएगा 23, तो इसका आंसर क्या है आपका बी, बी 23 ईयर्स इसका आंसर है। तो यहाँ हमारा सेक्शन सी मैथमेटिक्स खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन और, जो कि हमारा सेक्शन डी, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 7 AM थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर एंड रोटेट व्हेन क्लॉक शोज 1 PM। अगर 7 बज रहा है, 7 बजे घड़ी दिख रही है आपको, जो आवर हैंड है वो 7 PM है, अब 1 बजे वो पहुंच गई, तो उसने कितने डिग्री का डिस्टेंस कवर किया है? 1 मिनट पे वो 6 डिग्री का डिस्टेंस कवर करते हैं, मतलब 1 मिनट का मतलब होता है कि उन्होंने 6 डिग्री ट्रेवल किया है। अब बताओ 7 पे सुई थी और 1 पे पहुंची, तो कितना ट्रेवल किया उसने, 30 मिनट का, तो 30 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 6 × 18 मतलब 180 डिग्री, इसका आंसर क्या आपका ए, 180 डिग्री इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा चूज द नंबर पेयर ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। संख्या जोड़ी चुने जो अलग है, 15.5, 32.2, 42.4, 36.6। देखो इसको अलग करने के 2 रास्ते हो सकते हैं, एक तो आप ये बोलो कि सर यहाँ पे ये तो इवन नंबर पे खत्म हो रहा है 3 और ये ऑड नंबर पे खत्म हो रहा है, तो एक तो अलग ये हो सकता है, और एक पैटर्न और बन सकता है देखा जाए तो देखिए 5.5, 2.2, 6.6, लेकिन यहाँ पे 2.4 है तो ये अलग हो गया। तो अब यहाँ पे आप क्या चूज करोगे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑड और इवन कॉन्सेप्ट तो इतना आसान तो कोई क्वेश्चन आपको देगा नहीं, तो इसलिए हम इसमें ये बोलेंगे कि इसमें सी अलग है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न 2.4 का नहीं बन रहा, तो सी 42.4 इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 2.4 पैटर्न में नहीं मैच खा रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा मैन इज कोटेड एज वुमेन, वुमेन इज कोटेड एज गर्ल, गर्ल इज कोटेड एज बॉय, बॉय इज कोटेड एज वर्कर, देन 6-year-old फीमेल इज कोटेड एज। देखो क्वेश्चन बड़ा घुमाने वाला है, आदमी को बोल रखा है औरत, मतलब मैन वुमेन है, औरत को बोल रखा है लड़की, लड़की को बोल रखा है लड़का, और लड़की को बोल रखा है एक मतलब वर्कर एक तरीके से मतलब कार्यकर्ता। अब बोला 6 साल की महिला है, 6 साल की महिला क्या होती है, वो होती है गर्ल, गर्ल को आप क्या कोड करते हो बॉय, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ बॉय। कैसे करना दोबारा देख लो, 6 साल की फीमेल, तो 6 साल की फीमेल को आप क्या बोलते हो, वुमेन बोलते हो, गर्ल बोलते हो, उसको आप बोलोगे गर्ल, और गर्ल को आप कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हो, गर्ल को आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो बॉय में, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका बॉय, डी बॉय इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द सीरीज। इस सीरीज से आपको एक अलग करना है, सीरीज क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, तो क्या अलग हो सकता है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 9 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम है, 7 भी और 11 भी प्राइम है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, मतलब जो 9 है वो आपका अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका आंसर क्या हुआ, सी 9 इसका आंसर है।
आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन दिनेश सेड हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, हाउ इज द जेंटलमैन रिलेटेड टू दिनेश। एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, उनका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। सज्जन दिनेश से कैसे संबंधित है? देखिए दिनेश ने क्या बोला कि उस बंदे को इशारा करते हुए बोला कि दिनेश ने बोला कि मेरी बेटी के पिता, मतलब मेरी बेटी के पिता दिनेश खुद हो गया, और दिनेश के पिता का भाई है, मतलब दिनेश के पापा हैं उनका भाई है, मतलब दिनेश क्या हुआ, चाचा हुआ एक तरीके से। तो क्या इसका आंसर? इसका आंसर है आपका ए, अंकल चाचा, इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा इंडियन आर्मी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर समाप्त होता है। कोई भी आपको दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।